इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RS MSSB बोर्ड द्वारा ANM और GNM भर्ती परीक्षा जो आयोजित की गई थी उनके मार्क्स जारी कर चुके हैं। अब ये मार्क्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे और कैसे देखने को मिलेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कम्प्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप भी अपना स्कोर कार्ड देख सकते हो, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके चेक कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और ANM GNM भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जब भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, वो भी प्रूफ के साथ, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए अब बात करता हूँ ANM और GNM भर्ती परीक्षा का स्कोर कार्ड यानी कि मार्क्स है वो बोर्ड ने जारी कर दिए हैं, वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे और कैसे चेक कर सकते हो उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, जैसे कि आपको मालूम है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पहले चरण में 7 एग्जाम आयोजित करवाए गए थे, सूचना सहायक ANM GNM एग्रीकल्चर सुपरवाइजर CHO संगणक और जूनियर अकाउंटेंट। इन भर्ती परीक्षाओं में से उन्होंने 5 एग्जाम के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। संगणक और सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होना बाकी है, बाकी सभी का रिजल्ट जारी हो चुका है। जूनियर अकाउंटेंट का मार्क्स आपके 1 या 2 जुलाई को देखने को मिलेंगे और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी आपको 2 जुलाई तक देखने को मिलेंगे स्कोर कार्ड। आगे की सूचना अब मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। ANM और GNM के स्टूडेंट अपना स्कोर कार्ड कैसे देख सकते हैं, चलिए वीडियो में बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और उसके बाद मैं बताता हूँ किस तरह से आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। तो मार्क्स देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सर्च करना होगा RS MSSB रिजल्ट। जब आप गूगल पर सर्च करोगे RS MSSB रिजल्ट, SSO ID पर आपको अभी देखने को नहीं मिलेंगे। अभी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जब आप सर्च करोगे RS MSSB रिजल्ट गूगल पर, तो आपके सामने कुछ इस तरह से सबसे पेज ओपन होगा जो कि ऑफिशियल वेबसाइट आपका होगा अधीनस्थ बोर्ड की, जहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ रिजल्ट राजस्थान सबोर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। आपको इस लिंक पर नहीं जाना, आपको स्क्रॉल करते रहना है, जब तक ये लिंक ना आ जाए तब तक आप स्क्रॉल कीजिए। गेट रिजल्ट कोष्टक में 110 राजस्थान, जब ये लिंक आपको देखने को मिले तब आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, आप देख सकते हैं गेट रिजल्ट लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ सेलेक्ट एग्जाम टाइप यानी कि एग्जाम किस टाइप का था, उसके बाद लिखा हुआ है एंटर एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद लिखा है सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद लिखा हुआ है एंटर द टैक्स गिवन, और उसके नीचे कैप्चा कोड लिखा हुआ है, और उसके बाद गेट रिजल्ट है। तो आपको क्या करना है, इस पेज पर आने के बाद आपको सेलेक्ट एग्जाम टाइप पे क्लिक करना होगा। इस पर जब क्लिक करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, प्री और मेंस। आपको प्री पे ही क्लिक करना है क्योंकि आपका ये प्री एग्जाम ही था, कोई मेंस नहीं था, तो आपको प्री पे ही क्लिक करना है। चाहे आप ANM का देखो चाहे GNM का देखो, प्री पे ही क्लिक करना है। मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अपडेट आएगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ANM GNM का कब होगा, तो आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि ANM GNM एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एंटर एप्लीकेशन नंबर। अब बहुत स्टूडेंट होंगे वो बोल रहे होंगे कि उनके पास अब फॉर्म ही नहीं है तो वो एप्लीकेशन नंबर कहाँ से लाए, तो एप्लीकेशन नंबर भी आप ले सकते हैं। अभी SSO ID पर जाइए, SSO ID को लॉगिन कीजिए, वहाँ पर टॉप पे माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन होगा। जब वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ आपके सामने पूरी लिस्ट होगी आज तक जितने भी आपने फॉर्म फिल किए हैं राजस्थान भर्ती के, तो वहाँ ANM, जैसे कि आपका ANM है तो ANM और GNM है तो GNM के सामने, लिंक के सामने आपके पास ऑप्शन होगा एप्लीकेशन नंबर का, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फॉर्म फिल हो जाएगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा सॉरी। उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन नंबर भी लिखे होंगे, एप्लीकेशन नंबर को आपको कर देना है कॉपी। कॉपी करके यहाँ पर आपको वो एप्लीकेशन नंबर है वो क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। एप्लीकेशन नंबर लिखने के बाद आपको सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ पे जो यहाँ कैलेंडर शो हो रहा है इस पर क्लिक करना है, और आपको ईयर डेट और मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कैप्चा लिखना है, कैप्चा ध्यान रखें जो कोष्टक के अंदर लिखा हुआ वही लिखना है, अन्यथा आपके एरर आ जाएगी। जैसे यहाँ 379757 लिखा हुआ है, जो आपके नंबर लिखे हुए आपको भी वही नंबर लिखना है। उसके बाद आपको गेट रिजल्ट पर क्लिक कर देना, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो भी आप वहाँ पर पहुँच जाओगे।
जब गेट रिजल्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से रिजल्ट शो होगा। सबसे ऊपर लिखा होगा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर RS SSB। उसके बाद जैसे कि ये ANM का है तो यहाँ पर आपका एग्जाम नाम लिखा हुआ ANM 2023, और अगर आप GNM का देखोगे तो आपका लिखा होगा GNM 2023। इसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ आपके कैंडिडेट यानी कि आपका नाम लिखा होगा। उसके बाद पोस्ट नेम यानी कि कौन सी भर्ती है, जैसे ये फीमेल हेल्थ वर्कर है और GNM का नर्स का लिखा होगा, आपका ANM का है तो फीमेल हेल्थ वर्कर लिखा होगा। उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी वो लिखी होगी, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी कौन सी वो लिखी होगी, मैरिटल स्टेटस लिखा होगा। इसके बाद साइड में यहाँ रोल नंबर लिखा होगा, आपका रोल नंबर कितने हैं, एप्लीकेशन आईडी लिखी होगी जो कि अभी आपने एप्लीकेशन नंबर लिखे वही लिखे होंगे, पीएच कैटेगरी लिखी होगी, उसके बाद आपका जेंडर लिखा होगा और सब्जेक्ट में आगे मार्क्स लिखे होंगे और नीचे रिटन एग्जामिनेशन के आगे आपके मार्क्स लिखे होंगे। मार्क्स आपके जो शो हो रहे हैं वो 400 नंबर में से, क्योंकि आपको मालूम है आपके पेपर में 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का था, 400 नंबर का पेपर था। अब मार्क्स से पता चल जाएगा कि बहुत पहले ऐसे भी बताया जा रहा था कि स्टूडेंट द्वारा कहा जा रहा था, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नाम रिजल्ट रिजेक्ट की लिस्ट में आया है, यानी कि 10% से ज़्यादा जिन्होंने खाली छोड़े उनकी लिस्ट में नाम आया है, कैसे पता चलेगा? तो अभी आप देख सकते हो आपका अपना मार्क्स होंगे, वो अगर आपके कट ऑफ से ज़्यादा है तो आप समझ लीजिए आपका नाम रिजेक्ट की लिस्ट में आ चुका है, और कट ऑफ से कम है तो आप समझ लीजिए कि आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है। और बाकी OMR शीट से भी आप चेक कर सकते हो कि आपने जो बोले हैं वो 10% से ज़्यादा खाली नहीं छोड़े तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट की लिस्ट में नहीं है। जैसे कि ANM GNM में 100 क्वेश्चन थे तो 10 से ज़्यादा खाली छोड़ दिए हैं तो आपका भी नाम रिजेक्ट की लिस्ट में शामिल है। तो इस तरह से आप अपने मार्क्स देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर से बता देता हूँ, ANM GNM दोनों का स्कोर कार्ड आ चुका है और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जैसे ही अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी।